इलाके की गोपालपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए निमोटा में कच्ची शराब बना रहे आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 200 लीटर कच्ची शराब, 100 किलो महुआ भी बरामद किया है। दरअसल कुछ दिन पहले ग्राम निमोटा झील में कच्ची शराब पकड़ने गई पुलिस पर इन्हीं आरोपियों ने पथराव कर दिया था, जिसमें कुछ पुलिस कर्मियों को चोटें भी आई थी और गाड़ी के कांच भी फूट गए थे। लेकिन बाद में गोपालपुर पुलिस ने दोबारा ज्यादा फोर्स के साथ धावा बोला और आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ लिया। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया, जहाँ से उन्हें जेल भेज दिया गया है। 15 तारीख को हमारी एक टीम गई थी निमोटा गांव में, जहां पर उन लोगों ने रिटेलिएट किया था। प्रतिक्रिया स्वरूप उन्होंने हमारी पुलिस की गाड़ी पर पथराव किया था, जिससे टूट फूट हुई थी। उस समय भी हमने कुछ आरोपियों को पकड़ा था और कुछ आरोपियों को चिन्हित किया था। आज हमारी टीम गई थी वहां पर, एक बड़े स्तर पर हम लोग 100 के करीब बंद लेकर के गए थे और हमने वहां पर जो अवैध रूप से कच्ची शराब बनाई जाती है उनके ठिकानों पर दबिश की और बड़ी मात्रा में 200 लीटर से ज़्यादा अवैध कच्ची शराब और करीब 200 किलो का लाहन जब्त किया है और आरोपियों को भी पकड़ा है।